हेलो जी, क्या हाल चाल है जी आप सबके। आज मैं आ चुका हूँ कानपुर मेट्रो में ट्रैवल करने। तो रिसेंटली कानपुर मेट्रो शुरू हुई है और जो फर्स्ट स्टॉप है, फर्स्ट स्टेशन है, उसका नाम है मोती झील। तो मोती झील से लेकर IIT कल्याणपुर तक मेट्रो चल रही है इस समय। तो आइए चलते हैं अंदर, बहुत ही डेकोरेशन हो रखा है, और आइए कानपुर मेट्रो में अंदर ट्रैवल करते हैं और आपको कानपुर की और कानपुर मेट्रो की सैर कराते हैं। तो जो लोग मुंबई दिल्ली में ट्रैवल करते रहते हैं मेट्रो में, वो देख के समझ जाएंगे कि क्वालिटी बहुत ही शानदार है इस मेट्रो की। देखिए एस्केलेटर्स पे चढ़ने जा रहे हैं एंड अंदर से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी लग रही है स्टेशन की अभी तो। आइए, आई विल ऑल्सो बी वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि कानपुर मेट्रो कैसा है कैसा नहीं है। और रहने नहीं हो रहा इसलिए खुद ही कदम ताल करके आगे बढ़ जाते हैं। और ये देखिए टिकट काउंटर्स पर बहुत कचाकच भीड़ लगी है। इट इज़ आफ्टरनून और फिर भी बहुत मस्त भीड़ है। कानपुर के लोग बहुत है भौकाल में हैं, एक्साइटेड हैं लोग। तो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू टेक द टिकट। लीजिए भाई, लास्ट स्टॉप एक टिकट, लास्ट स्टॉप कल्याणपुर IIT, लास्ट स्टॉप जो भी है IIT 30 है ना उसका भी। थैंक यू भाई। अच्छा, इसको टिकट विकेट टोकन नहीं, अच्छा स्कैन हो जाएगा। थैंक यू। सो टिकट का यहाँ जो सिस्टम है वो QR कोड स्कैन करने का है एंड टोकन या अभी इनिशियली कार्ड्स नहीं है। ये काफ़ी एक्साइटमेंट है और इस समय लगभग 2:05 हैं आफ्टरनून के, फिर भी क्राउड इज़ वेरी क्यूरियस कानपुर मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए, और मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ। सो कानपुर मेट्रो के इनिशियल कुछ दिनों में लोगों के आने के लिए ये देखिए स्पेशल इंतज़ाम है। बच्चों को देने के लिए गिफ्ट है, ये मैम देती हैं और ये पाउच में डाल के देते हैं। और ये कानपुर मेट्रो की डिटेलिंग्स हैं, तो मैं भी एक ही उठा लेता हूँ। और ये मैप है, रूट मैप और अदर डिटेल्स हैं। तो चलिए लेट्स एंटर द क्यू और फिर बैग वैग चेक करा के आपको ट्रैवल कराते हैं कानपुर मेट्रो में। और आप लोग देखिए बिल्कुल बाकी मेट्रो स्टेशन में जैसे चकाचक इंतज़ाम होता है, स्क्रीनिंग का, चेकिंग का, सिक्योरिटी मेजर्स, वैसे ही हैं। बैग वैग स्कैन होंगे, ये स्कैनर भी है। तो आइए पहले सिक्योरिटी स्कैन करा लें। तो जी अब हम करा के सिक्योरिटी चेक्स अंदर आ चुके हैं और अंदर का एक व्यू ले लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ टिकट विकेट स्कैन होगी और जिसको वॉशरूम जाना है पहले हो आना। अब मुझे तो लास्ट स्टॉप पर ही जाना पड़ेगा भैया, शुरुआत में आपकी हेल्प लगेगी। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए QR कोड स्कैन करके अंदर घुस सकते हैं और बहुत ही गजब का प्रीमियम फील आ रहा है। जो भी इधर आएंगे उनको मज़ा आने वाला है। इधर से एस्केलेटर हैं तो मैं तो पसंद करूंगा स्टेयर से ही जाना। तो चलिए देखते हैं प्लेटफॉर्म कैसा बना हुआ है, अनकट आपको लेके चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और देखते हैं किस तरह का प्लेटफॉर्म है। आप लोगों ने जिन जिन ने मेट्रो स्टेशन देखे हैं वो समझ सकते हैं, क्वालिटी वाइज तो बहुत गजब का लग रहा है ये मेट्रो स्टेशन भी। एंड IIT की तरफ से तो पहली मेट्रो आती ही लोगों का एक्साइटमेंट देखने बनता है। तो आई भी इसी प्लेटफॉर्म पर है, तो उधर से जो आई है वही जाएगी। सो यू कैन हैव अ लुक एट कानपुर मेट्रो, कोई कसर आपको नहीं लगेगी। तो जैम पैक मेट्रो लग रही है, यू कैन हैव अ लुक इनसाइड। सो इट इज़ आफ्टरनून 2 PM एंड स्टिल इट्स अ जैम पैक मेट्रो, पीपल आर क्वाइट एक्साइटेड टू विजिट इन कानपुर मेट्रो। सो लेट अस गो इनसाइड, वी आर ऑल वेटिंग टू फॉर द डोर्स टू गेट अनलॉक। एक बार खुल जा सिमसिम होगा भीड़ को बाहर आने देने का, और धीरे धीरे यहाँ की जनता भी कानपुर की सीखेगी दैट यू हैव टू वेट एंड देन गो इनसाइड। वेरी गुड, अभी तो अच्छी कर्टसी दिखाई जनता ने। सो यू कैन सी किस तरह से अति एक्साइटमेंट में पीपल आर गेटिंग इनसाइड। Awesome response to Kanpur Metro. So just waiting for the doors to get shut and the metro to start off. Then we'll see what the stations are. So अभी एक cleaning कर्मचारी गए नहीं and 2 and 3 have all come. So it's cleanliness is a matter of the citizens as well as the organization. So the metro has started from Moti Jhil and
हैव अ लुक एट कानपुर ऊपर से. सो एंड ये मोती झील का असली जो झील है वो क्रॉस हो रहा है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आई हॉस्पिटल चौराहा और नरेंद्र मोहन सेतु हेलेट हॉस्पिटल एज वेल. सो लेट अस सी स्टेशन का नाम क्या है. People are really excited, let me tell you, the vibe is really awesome and we are here at the second stop which is called LLR Hospital. So this is LLR Hospital and with me, dekhte rahiye, I am also very curious kya stations ke naam diye hain. Only once you travel tab aapko pata chalega aur lifts bhi ek kehna padega, lift bhi awesome lagi hui hai yahan par. Bilkul exactly metros hoti hain usi tarah se Kanpur Metro has also been given a feel. अ प्रीमियम फील. देखिए ग्लास बिल्कुल फिनिशिंग लिफ्ट के आसपास दी है एंड द डोर्स हैव क्लोज एट द सेकेंड स्टेशन एंड द मेट्रो इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फॉर द थर्ड स्टेशन एंड आई एम ऑल्सो क्यूरियस क्वाइट क्यूरियस रादर टू नो वॉट द नेम्स ऑफ ईच मेट्रो स्टेशन आर. आई थिंक वी शुड नॉट मिस, हम लोगों को मिस नहीं करना चाहिए कानपुर को ऊपर से एरियल व्यू देखने के लिए, क्योंकि नोबडी हैज़ एवर सीन कानपुर का एरियल व्यू, क्योंकि अभी तक मेट्रो थी ही नहीं और हेलीकॉप्टर में तो कोई लोग चलते नहीं हैं. एंड नीचे आप लोग देख सकते हैं नरेंद्र मोहन सेतु है एंड नरेंद्र मोहन सेतु क्रॉस करते हुए वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टॉप दैट इज़ द थर्ड मेट्रो स्टेशन. एंड ये देखिए लेफ्ट की तरफ आपका नरेंद्र मोहन सेतु कानपुर वासियों को गोविंद नगर साउथ की तरफ लेके जाता है एंड दिस इज़ द आई हॉस्पिटल चौराहा. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स रावतपुर क्रॉसिंग बट लेट अस सी व्हाट द नेम इज़. ऑब्वियसली आई थिंक रावतपुर ही होना चाहिए और पीछे कुछ सुर से लगे हैं मेट्रो में, अनाउंसमेंट हो रहा है लेकिन बहुत लाइट अनाउंसमेंट हो रहा है. और इधर से अगर आप देखेंगे तो ये सामने से हम लोगों के RTO ऑफिस जा रहा है एंड सामने RTO ऑफिस का एरिया है, कई हॉस्पिटल्स हैं कानपुर के प्रीमियम और एक मॉल आपको राइट साइड में अपनी स्क्रीन के दिख रहा होगा. तो दिस इज़ अ मॉल एज वेल, दिस इज़ द रावतपुर क्रॉसिंग एंड द थर्ड मेट्रो स्टेशन इज़ अबाउट टू कम. मुझे तो दिख रहा है लेकिन आपको भी स्क्रीन्स में दिखना शुरू हो जाएगा. सो द थर्ड मेट्रो स्टेशन ऑफ कानपुर मेट्रो इज़ हेयर विच इज़ कॉल्ड रावतपुर. यस, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि रावतपुरी इसका नाम होगा एंड इट इज़ रावतपुर. So you can see all around people are quite excited, there is a lot of crowd, even in the afternoon there is a lot of crowd. So people are clicking selfies, making videos. I'll try to talk to a few people that how is the vibe of Kanpur regards to metro. So you can see a lot of people are departing off this metro station and a lot are boarding in as well, maybe yes from this gate as well. सो आई हैव अ फ्यू पीपल जो अभी रावतपुर से चढ़े हैं, स्टूडेंट्स हैं. कानपुर मेट्रो में आपका पहला ट्रैवल है कि इससे पहले कर चुके हैं? पहला ट्रैवल है. अच्छा, मेरी भी पहली ट्रिप है तो मुझे तो बहुत ऑसम फील आ रहा है कानपुर मेट्रो को. आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है बिल्कुल टक्कर का है. बहुत ही कानपुर है और ऐसी मेट्रो चल रही है तो पक्का ऑसम तो लगेगा ही. कानपुर में मेट्रो चल रही है तो मजा तो आएगा ही, है ना? और भोकाल तो कानपुर का अलग ही अभी है कि नहीं? मिजाज अलग है कानपुर का, तो जब मोदी जी ने मान लिया तो फिर दुनिया तो मानेगी आगे चलेगी. बहुत बढ़िया, और कानपुर वालों को तो सब मानते हैं, ये तो सही बात है. तो बहुत अच्छा लग रहा है टू सी कानपुरियाज एंजॉयिंग देयर मेट्रो और सही में और बहुत ही एक्साइटमेंट थोड़ा सा फ्लो हो गए हमारे दोस्त, लेकिन नो इश्यूज. एंड फ्रॉम द सेकेंड स्टेशन वी आर गोइंग टूवर्ड्स द थर्ड मेट्रो स्टेशन एंड इट इज कॉल्ड गीता नगर. सो नीचे गीता नगर क्रॉसिंग पड़ती है एंड दिस इज़ द गीता नगर मेट्रो स्टेशन. उससे हम लोग आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और कानपुर में अगला जो मेन पड़ाव है वो है गुरुदेव. सो लेट अस सी अगले मेट्रो स्टेशन का नाम क्या रखा है. जनता अभी भी खचाखच भरी हुई है, हर स्टेशन पे उतर भी रहे हैं बहुत सारे लोग एंड पीपल आर डिपार्टिंग ऑफ एज वेल एंड कमिंग इन टू द ट्रेन, कमिंग इन टू द मेट्रो, बोर्डिंग द मेट्रो. सो लेट अस सी द नेम ऑफ द नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन. और जो लोग कानपुर को जानते हैं दे वुड बी एबल टू रिकग्नाइज, ये नीचे गुरुदेव चौराहा है एंड आई थिंक द नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. सो आप देखिए नीचे पैरेलल में फरखाबाद वाली ट्रेन लाइन जा रही है और ये नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन ही गुरुदेव चौराहा है. देखिए एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गेसिंग.
तो जो इसका नाम है चौराहे का, वही चौराहा मेट्रो स्टेशन का भी नाम इन लोगों ने रखा है। तो दैट्स गुड, कॉमन पार्लेंस के लोकल जानकारी वाले, लोकल यूज़ होने वाले वर्ड्स रखे हैं मेट्रो स्टेशन के नाम भी, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल लोकली फील आ रहा है, कानपुरिया फील आ रहा है इस मेट्रो का। कानपुर मैं भी जब आता था तो IIT के पास डोसा कई लोग खाते हैं, तो अंकल ने एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ बताई कि पहले डोसा खाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, जाना पड़ता था, अब मेट्रो में 10-15 मिनट में वो क्या करने वाले हैं, अपने बेटे को ही डोसा खिलाने ले जा रहे हैं। तो अंकल बताएंगे अपने आप। चलिए, जब यहाँ पे एक डोसे वाला है बहुत फेमस है और उसके डोसा खाने के लिए लोग दूसरे शहरों से भी आते हैं, लेकिन यहीं के शहर के लोग क्योंकि रस बहुत होता है तो रोड से अवॉइड करते हैं, लेकिन अब मेट्रो ने उसकी दूरी ख़त्म कर दी है और मैं यहाँ रावतपुर से बैठा हूँ और बेटे को डोसा खिलाने ले जा रहा हूँ। तो आपकी फ़र्स्ट ट्रैवल है मेट्रो में कि पहले ट्रैवल कर चुके हैं एक दो बार? इस कानपुर मेट्रो में फर्स्ट ट्रैवल है। कानपुर मेट्रो की पहली ट्रैवल है? दिल्ली में किया है, लखनऊ में किया है। और किसी से कम नहीं लगी आपको? सवाल ही नहीं उठता किसी से कम। और ये आपके बेटे हैं? ये मेरा बेटा है। चलिए इनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है भाई? लक्ष्य। लक्ष्य, आप ये बताइए जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप जा रहे हैं, एक्साइटेड हैं मेट्रो से जाने के लिए और डोसा खाने के लिए? मतलब फर्स्ट टाइम ट्रैवल तो नहीं है मेट्रो में, बट कानपुर में मेट्रो फर्स्ट टाइम है, तो मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो है। सो कानपुर मेट्रो में यू आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? यस एक्चुअली। तो बहुत अच्छी बात है, देखिए पीपल आर गोइंग फॉर एंजॉइंग फॉर देयर वर्क ड्यूटीज़ पर भी, देखिए कई जवान जा रहे हैं पुलिस के, सो इट्स अ गुड थिंग दैट कानपुर जैसे बड़े शहर में मेट्रो हैज स्टार्टेड एंड वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स कल्याणपुर। सो लेट अस सी नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, देखिए। सो कई बार इस समय सर्दी का मौसम मेट्रो बढ़ती है साकेत की तरफ और टूवर्ड्स नॉर्थ राजीव चौक की तरफ, तो आपको जो फील आती है थोड़ा थोड़ा बीच में वो भी फील आएगा क्योंकि कोहरा बहुत है। कानपुर में एक्सट्रीम ठंडी पड़ती है, दिल्ली की सर्दी मशहूर है तो कानपुर की भी सर्दी बहुत मशहूर है। कानपुर वालों से कभी पूछिए कैसे कड़ाके की ठंडी पड़ती है। सो वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन एंड नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन बस आ ही गया, हर जगह डेकोरेशन हुई हुई है, यू कैन सी पीपल आर वेरी एक्साइटेड। सो दिस इज विश्वविद्यालय कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए ये स्टॉप बना है। देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कानपुर में पढ़ने आते हैं। कानपुर इज़ अ बिग हब फॉर कोचिंग्स ऑफ IITs फॉर सिविल सर्विसेज, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। सो उनके लिए स्पेशली एक तरह से डेडिकेटेड कह लीजिए, और कम्यूटर्स के लिए देखिए स्टूडेंट्स आपको दिख जाएंगे। देर आर लॉट ऑफ स्कूल्स ऑन दिस रोड, ये GT रोड पर पैरेलल ऊपर ये मेट्रो बनी है, तो GT रोड पर बहुत सारे कानपुर के बड़े बड़े स्कूल्स हैं GT रोड पर और उससे क्रॉस राइट लेफ्ट जाते हुए भी। सो द बिगेस्ट थिंग दैट आई एम ऑब्जर्विंग राइट नाउ इज दैट देर आर लॉट ऑफ कम्यूटर्स, यात्री बहुत ज़्यादा हैं इस समय। 2 बजे मैं चढ़ा हूँ और 2:30 बजे हैं लगभग, 2 बजे मेट्रो स्टेशन में घुसा था, दिस इज़ ऑलमोस्ट 2:30 और अभी भी उतरना और चढ़ना कंटिन्यूस चल रहा है मेट्रो स्टेशन पर मेट्रोज में। तो देख सकते हैं आप कितना एक्साइटमेंट है कानपुर वाले लोगों में। बस इसको लाल जो बेल्ट दिख रही है मेट्रो में उसको पीक मार मार के सब लाल ना कर दें, यही दुआ रहेगी। कानपुर वासियों से रिक्वेस्ट भी रहेगी, ये तो बहुत मशहूर है कानपुर की स्टाइल है ये, सो इस स्टाइल को अवॉइड करना पड़ेगा अगर अपनी मेट्रो को वर्ल्ड की बेस्ट मेट्रो या फिर देश में कॉम्पिटिटिव मेट्रो बना के रखनी है। तो देखिए ग्रीनरी ऑल अराउंड एंड प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन एंड वी हैव अराइव्ड टू द नेक्स्ट मेट्रो स्टॉप विच इज़ कॉल्ड SPM हॉस्पिटल, और इसके नीचे की ज़्यादा डिटेलिंग मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है एक Woodbine स्कूल है नीचे, होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। सो SPM हॉस्पिटल इज़ द नेक्स्ट स्टॉप, और यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा भीड़ है इस समय चढ़ने वाली। एंड वन थिंग आई वुड ऑल्सो मैंशन इज़ दैट देर इज़ अ मिक्स जेंट्री ऑफ ऑडियंसेज, सो देर आर लेडीज, देर आर जेंट्स, देर आर किड्स इज वेल, सो एवरीबडी हैज स्टार्टेड यूजिंग द मेट्रो एज इट शुड बी। सो पीपल ऑन ड्यूटी आर गोइंग फॉर द ड्यूटी, स्टूडेंट्स, कम्यूटर्स, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स आर ऑल्सो एन्जॉइंग द राइड। आपने स्टेशन पर देखा ही होगा दैट देर वर लॉट ऑफ किड्स, आई विल गिव यू अ लिटिल वॉक इन द मेट्रो एंड यू कैन सी देर आर पीपल ऑफ ऑल एज जेंडर्स हु आर एन्जॉइंग द मेट्रो राइड, मे बी फॉर वर्क और फॉर लेजर। सो अभी जैसे आपने देखा एक अंकल अपने बेटे को डोसा खिलाने के लिए IIT लेके जा रहे थे, इट्स क्वाइट पॉपुलर आई मस्ट से, और आप अगर कानपुर आएँ तो यू मस्ट हैव अ टेस्ट ऑफ द डोसा। नीचे आप लोग देखिए अभी
दिस इज़ द मेन कल्याणपुर एरिया। लेफ्ट की तरफ आप अगर अंदर जाएंगे तो प्रॉब्ली पनकी मंदिर के लिए रास्ता जाएगा, एंड नीचे कल्याणपुर जिसे क्रॉसिंग कहते हैं, कल्याणपुर फाटक बहुत मशहूर है कानपुर में। सो ये रहा कल्याणपुर फाटक, और यहाँ से ही पनकी मंदिर के लिए रास्ता जाता है। यस, बाकी आसपास के लोग मुझे कह रहे हैं हाँ सही बात है। देखिए आप, कोचिंग्स की डिटेल्स बहुत सारी लगी हुई हैं, तो मैंने जैसे कि आपको मेंशन किया था कि कानपुर इज़ अ बिग कोचिंग हब, सो बिग एजुकेशन हब। एंड नेक्स्ट स्टॉप ये नीचे आप देख सकते हैं कल्याणपुर स्टेशन है। सो प्रॉबली दिस इज़ द सेकेंड लास्ट मेट्रो स्टेशन, सेकेंड लास्ट स्टेशन है, और इसका नाम भी कल्याणपुर होना ही था, और कल्याणपुर स्टेशन इट इज़। सो बहुत ही मस्त यात्रा रही है। देखिए यहाँ भी पीपल ऑफ ऑल एजेस, स्पेशली द यूथ इज़ क्वाइट एक्साइटेड। और आप लोग जानते ही हैं, जिस शहर में जहाँ भी मेट्रो कंस्ट्रक्ट हो, तो कुछ टाइम के लिए, कुछ एक दो साल के लिए, जब तक कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ट्रैफिक हॉल्ट सा हो जाता है। तो बहुत ही रिलीफ मिला होगा नीचे भी और ऊपर भी लोगों को इन्जॉय करने के लिए और ट्रैवल करने के लिए। बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है कानपुर मेट्रो। सो पीछे से लेके आगे तक आप जिधर भी देखेंगे, इट इज़ पीपल ऑल अराउंड, जनता ही जनता है, और जनता इज़ वेरी एक्साइटेड। कानपुर के लोग बहुत ही एक्साइटेड हुए हुए हैं, एंड वी आर रीचिंग टूवर्ड्स द लास्ट स्टेप, द लास्ट स्टॉप दैट ऑब्वियसली वुड बी IIT कानपुर, एंड कानपुरियाज आर वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रैवल। सी पीपल आर क्लिकिंग सेल्फीज, पीपल आर विद देयर किड्स, विद देयर फैमिलीज, और भीड़ इतनी देख के मज़ा आ रहा है दोपहर में। तो नो लेस, कानपुर इज़ अबाउट टू बिकम अ प्रॉपर मेट्रो सिटी, और मेट्रो आने के साथ साथ डेवलपमेंट, विकास की जो गति होती है वो किसी भी शहर की तेज़ हो जाती है। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट स्टॉप विच शुड बी ऑब्वियसली IIT कानपुर, एंड लेट अस सी उसका नाम क्या डाला गया ऑफिशियल। ऐसा लग रहा है दो की एक पटरी हो रही है, एंड IIT कानपुर ही नाम है, मैंने नीचे से देख लिया। एंड हियर इट इज़ द लास्ट स्टॉप ऑफ योर कानपुर मेट्रो, कानपुर मेट्रो की लास्ट स्टॉप। और लेफ्ट के बदले हम लोग राइट पर आ गए हैं, क्योंकि इट इज़ वन मेट्रो जो एक जा रही है एक आ रही है, तो जनता को लेके आने जाने वाली मेट्रो क्रॉस कर देते हैं प्लेटफॉर्म को, तो उससे ये होता है कि जो लेके आती है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाती है, ताकि वापस जाने में भी वो मेट्रो कम्यूट करा पाए, लोगों को ले जा पाए। सो लेट अस सी हाउ मच इज़ द एक्साइटमेंट ऑन दिस साइड ऑफ कानपुर। सो लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग मोती झील स्टॉप से वी हैव रीच्ड IIT कानपुर। सो IIT कानपुर इज़ द नेम ऑफ दिस मेट्रो स्टेशन। एंड देखिए एल्डरली, यंग, एवरीबडी, और मेरे सामने से देखिए दादाजी निकल के जा रहे हैं अपने पोते के साथ। अंकल आपका पहला ट्रैवल है मेट्रो में? पहला ट्रैवल है। अच्छा, कैसी लगी मेट्रो आप? बहुत बढ़िया। और क्या आपको लगता है कानपुर में बच्चों के लिए किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा, कानपुर के भविष्य के लिए कैसी है? सभी के लिए बढ़िया है, ट्रैफिक जैम से पब्लिक बचेगी। वैसे आपको मोती झील से यहाँ आने में कितनी देर लगती थी? वैसे आने में तो अपने फोर व्हीलर से आते थे तो 45 से एक घंटा तक लग जाता। तो 10 मिनट में पहुंच गए? 10 मिनट में पहुंच गए। और आपके साथ कौन है, आपका ये ग्रैंड चाइल्ड है? मेरी बेटी है और मेरे दोहते दोहती है। अच्छा, दोहते दोहती हैं। तो आइए बच्चों इधर आइए, ये बताइए कैसा लगा मेट्रो आपको ट्रिप? बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले आप किसी मेट्रो में ट्रैवल कर चुके हैं? नहीं। दिल्ली लखनऊ नहीं किया, तो कैसा लगा मेट्रो आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या कह रहे हो बच्चे? मैम मुझे मेट्रो बहुत पसंद आया था। छोटे दोस्त आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज ननादी मिश्रा। अरे मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने रौनक लगा दी। सो आप लोग देख सकते हैं फैमिलीज ऑफ ऑल एजेस यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। सो दिस इज लास्ट स्टॉप ऑफ कानपुर मेट्रो, IIT कानपुर। इट इज़ एन ओवरवेलमिंग फीलिंग फॉर ऑल कानपुरिया। सो कानपुर वालों मजा लो, आप लोगों के शहर में मेट्रो शुरू हो गई है, एंजॉय करो। दिस इज कानपुर मेट्रो फॉर यू, एंड लास्ट स्टॉप IIT कानपुर पर मैं उतरा हूँ। देखते हैं अब टिकट आपको जो टिकट पर एग्जिट होता है वो कैसे होता है, तो और प्रॉबेबली सेम ही रहेगा क्योंकि QR कोड लगा के हम लोगों ने, अरे 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 गजब हो गया। सो नीचे वी हैव सम एक्साइटिंग थिंग्स, यहाँ पर तो जनता की भीड़ लगी हुई है, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टाफ एज वेल, एंड एग्जिबिशन भी है, कुछ ऐसा लग रहा है मॉडल लगा है, अभी दिखाता हूँ किस चीज़ का मॉडल है। सो
all about Kanpur. This is a beautiful piece of art on the wall. इसको मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ आपको. जब श्रीलंका जाने के लिए पत्थर से राम सेतु बनाया गया था, तो आप देख सकते हैं वानर सेना की पेंटिंग है. व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. वंस यू विल कम हेयर देन यू विल रियलाइज हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. बहुत अच्छी लग रही है. सो नाउ लेट अस सी द अदर साइड. तो यहाँ के जो इंजीनियर साहब हैं उनसे मेरी बात हुई, तो ही इज़ टेलिंग कि ये जो यार्ड है हमारा गुरुदेव चौराहा के सामने कानपुर मेट्रो का, तो उसका ये एक मॉडल है, एक डमी है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा डमी है. सो आप देखिए, दिस इज़ कानपुर मेट्रो. लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मतलब कम पड़ जाएगा शब्दों में बयां करना कि कितने पीपल आर एक्साइटेड. सो कानपुर में ये थी कानपुर मेट्रो की सैर. और ये देखिए कानपुर मेट्रो में जहाँ अंदर आम जनता नहीं जा सकती, वहाँ का आपको व्यू दिया हुआ है कानपुर मेट्रो की तरफ से, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कानपुर मेट्रो. सो आप देख सकते हैं कितनी सब टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं. और ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल एरियल शॉट है कानपुर मेट्रो का जो इन लोगों ने लगाया हुआ है. सुपर ऑसम लग रहा है. सो मस्त कलर कॉम्बिनेशन आपको कानपुर में मिल जाएंगे मेट्रो में. सो यू कैन सी ऑरेंज थीम का मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से कलर किया जा चुका है. एंड ये देखिए कानपुर मेट्रो का एक प्यारा सा डमी. सो ऑरेंज ही कलर अभी चला है. मे बी इन फ्यूचर जब मेट्रोज भी और बढ़ जाएंगे और लाइंस भी और बढ़ जाएंगी, तो और कलर्स की सौगात भी कानपुर मेट्रो को मिलेगी. और ये कुछ रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स हैं जो कानपुर मेट्रो को मिल चुके हैं. एंजॉइंग क्लिकिंग फोटोग्राफ्स. और भीड़ कम होती नहीं नज़र आ रही. दिस इज़ अ मेन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व. भीड़ कम होती नहीं नज़र आ रही. और यहाँ एक फैमिली है जो फोटोज़ क्लिक कर रही है. अरे बच्चा पार्टी, आप लोग पहली बार आए हो कि और आ चुके हो? पहली बार आए. तो इतनी प्यारी सी फैमिली है जिसके बच्चों से ज़्यादा पापा एक्साइटेड. और क्यों ना हो, क्योंकि बच्चों को ट्रैवल कराएंगे, खुशी देंगे और साथ में खुद भी खुश होंगे. सर अपना नाम बताइए. कमलेश कुमार. सर पहली बार मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं? इससे पहले कानपुर मेट्रो में ट्रैवल किया है? नहीं, कानपुर में पहली बार, लखनऊ में कर चुका हूँ. अच्छा, लखनऊ में कर चुके हैं. तो आपको कंपटीशन में कैसा लगा? कानपुर मेट्रो कम तो नहीं है? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है. बढ़िया है. अच्छी लगी कानपुर मेट्रो? और आपको अच्छी लगी कानपुर मेट्रो? आप लोग देखिए, एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड. ऑल द किड्स, ऑल द पेरेंट्स, हर एज ग्रुप के लोग बहुत एक्साइटेड हैं कानपुर मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए. एंड और भैया है, कैसे हैं? हेलो. तो आप कानपुर मेट्रो के स्टाफ हैं? सो मैं एग्जिट कर ही रहा था कानपुर मेट्रो से कि एक मेरे दोस्त मुझे मिल गए हैं, यादव जी, उत्कर्ष. तो उत्कर्ष यहाँ पर जो टोकन्स हैं और सब चीज़ें हैं उन सबको मैनेज करने वाली जो कंपनी है उसकी तरफ से है. उत्कर्ष बताइए, आप लोग क्या देख रहे हैं? व्हाट इज़ द टेक्निकल थिंग यहाँ पर जो आप लोग टेक केयर कर रहे हैं? सारे गेट्स वगैरह देखती है और टॉम मशीन देखती है जिससे टोकन वेंड होते हैं. मेन प्रोसेस हम लोग का ही है. सर कार्ड शुरू होने वाला है और QR भी रहेगा. और उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द आपको ये अपने मोबाइल पे मिलने लगेगा, बुक हो जाएगा. यस सर. सो थैंक यू उत्कर्ष, हमें टेक्निकल डिटेल्स दे रहे थे कि राइट नाउ. और आप देखिए फिर से नेक्स्ट मेट्रो मुझे लग रहा है पीछे से आ गई. एंड पीपल आर ओवरवेल्म्ड विद एक्साइटमेंट एंड जॉय. एंड आई एम ऑल्सो क्वाइट एक्साइटेड टू सी दैट हाउ एक्साइटेड कानपुर के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए पड़े हैं भाई. मज़ा आ रहा है कानपुर में आके. एंड कानपुर के कहने क्या, एक रंगबाजी और स्वाद कानपुर में ना हो तो कहाँ हो. और बहुत ही स्वाद आ रहा है, पूरी रंगबाजी के साथ पीपल आर ट्रैवलिंग. सो जल्दी आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग्स और टोकन्स, जैसे अदर मेट्रो स्टेशन पर भी सिस्टम होता है, वैसे इट विल स्टार्ट ऑफ. सो अभी नीचे उतर के आई विल मेक यू टॉक टू सम यूथ, जैसे कि हम लोगों ने मेट्रो के अंदर भी हैड टॉक. सो पीपल आर रियली क्वाइट एक्साइटेड. थोड़ा सा पीपल आर लुकिंग बैक एंड आस्किंग कि भाई क्या है, कहाँ से आप आए हैं, क्या कर रहे हैं. तो आई एम ऑल्सो टेलिंग कि कानपुर की भाई जो रंगबाजी है उसको कवर करने के लिए आए हुए हैं. मेट्रो स्टार्ट हुई है तो वाई नॉट शो ऑल द कानपुर वाले कि कितने पॉपुलर आप लोग हो हर जगह ही. सो नाउ आई एम एग्जिटिंग द मेट्रो स्टेशन एट IIT कानपुर स्टेशन. और फिर नीचे उतर के थोड़ा सा कुछ लोगों से बात करते हैं. सो एक QR कोड से टिकट को स्कैन करने का तरीका, सर ऐसे उल्टा करके कि सीधा करके, जैसे भी ऐसे. अच्छा, हो गया.
थैंक यू वेरी मच। और ये यादगार लेके जाते हैं। सो यू कैन सी बहुत ही, जैसे कानपुर की भाषा में कहते हैं, चौचक इंतजाम हुआ हुआ है। बे बहुत जी आता चौचक और भौकाल काम है, बिल्कुल है भौकाल लग रहा है। सो ये सब मामला है कानपुर का। और ये देखिए यहाँ पर निकलते निकलते आपको कुछ और रिवॉर्ड्स, जो अवार्ड्स मिले हुए हैं कानपुर मेट्रो को। और सो इट हैज़ जस्ट बिन अ फ्यू डेज जब हमारे प्रधानमंत्री आके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर कानपुर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन हुआ है। सो इट्स अ बिग डील रियली फॉर पीपल ऑफ कानपुर। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की, मज़ा आ गया। मैंने मुंबई, दिल्ली, इन सब मेट्रो में ट्रैवल किया है, लखनऊ मेट्रो में भी ट्रैवल किया, और कानपुर मेट्रो फॉर श्योर आई कैन से इज़ नो लेस, किसी से कम नहीं है। और सही में जो लिखा है कि कानपुर मेट्रो प्रगति के बढ़ते कदम, तो सही में लग रहा है कानपुर की प्रगति के लिए बढ़ते हुए कदम है बाय कानपुर मेट्रो। तो लास्ट स्टॉप ऑफ IIT कानपुर, IIT मेट्रो का लास्ट स्टॉप, और मेरे पास बहुत सारे मेरे यंग फ्रेंड्स खड़े हुए हैं। तो से हाय टू एवरीबॉडी। मेट्रो आप सेकंड ट्रैवल कर रहे हैं और आपके दोस्त पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, कैसा फील आ रहा है? बढ़िया, ठीक है। आर यू पीपल एक्साइटेड फॉर कानपुर मेट्रो? हैव यू पीपल ट्रैवल्ड इन एनी अदर मेट्रो कानपुर से पहले कहीं ट्रैवल किया है? नोएडा, लखनऊ, दिल्ली आप लोग गए हो। तो ये बताइए कानपुर की जो मेट्रो है वो क्या कम है किसी से, या बढ़िया है, या टक्कर देने वाली है? किसी से भी नहीं कम, किसी से कम नहीं, अभी कानपुर भी किसी से कम नहीं। अभी स्पीड थोड़ी कम है इसकी, वैसे बढ़नी चाहिए। क्या बोल रही है? कानपुर ही है किसी से कम नहीं। तो यहाँ के यूथ जो है बहुत एक्साइटेड है, और प्यारे प्यारे मेरे दोस्त मेरे साथ थे। कानपुर मेट्रो, सो दिस वॉज अ विजिट ऑफ कानपुर मेट्रो। एक गाने की लाइन है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, सो सफ़र इंडीड खूबसूरत था। सो कानपुर मेट्रो हैज़ डन एन ऑसम जॉब, सो पीपल आर वेरी हैप्पी। सो इसी तरह से स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंकर रतन, थैंक यू। सो दिस इज कानपुर IIT मेट्रो स्टेशन, द लास्ट स्टॉप, एंड यहाँ से फिर आप वापस जाएंगे तो IIT टू मोती झील, और उस तरफ आपको मैक्सिमम कुछ स्टेप्स की दूरी पर लेफ्ट हाथ पर ही आपको IIT कानपुर का मेन गेट दिख जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड मेरे साथ सफ़र आपको मज़ा आया करके, आगे भी वील कीप ऑन ट्रैवलिंग अ लॉट, वील कीप ऑन विजिटिंग न्यू प्लेसेस। सो दिस इज एंकर रतन साइनिंग ऑफ, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड पीपल कानपुरियों।